आज आज मैं मैं आप लोगों के साथ ना एक different, uh, you know, usually जैसे मैं बात करती हूं या usually हम जो करते हैं, उससे थोड़ा सा हटके कुछ वीडियो बनाने वाली हूँ आई होप सो कि कुछ डिफरेंट होने वाला है सो so, सबसे पहले मैं बता दूँ कि आई एम टोटली बेयर स्किन इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है कुछ भी अप्लाई नहीं किया है इवन नॉट अ मॉइस्चराइजर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है एंड दिस इज द आई आई वुड से यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर यूजुअली या एवरीडे पे मुझे मेकअप करना हो या मेकअप नहीं करना चाहे मुझे बाहर निकलना है ठीक है सो आई डोंट वांट कि जो मेरे यहाँ पे मार्क्स हैं जो अभी टच हो धीरे धीरे हील हो रहे हैं ठीक है फेड आउट हो रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी कवरेज चाहिए लेकिन आई do नॉट want टू या मुझे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है चाहे कोई सी बीबी क्रीम कुछ नहीं अप्लाई करना आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दीज ऑल यू नो सो कोल्ड कवरेज वाली थिंग्स ठीक है अब मैं क्या करूँ जिसके साथ मेरा टाइम भी सेव हो सो so, uh, मेरा टाइम भी सेव हो ठीक है एंड सेम टाइम मुझे इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स uh, ना अप्लाई करने पड़े ओके सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो ठीक है कोई भी मॉइस्चराइजर आप चूज कर सकते हो पिक कर सकते हो मैं आज यूज करूंगी इमाम का वाइटामिन सी मॉइस्चराइजर दिस इज द वाइटामिन सी एंड पीच फॉर स्किन इल्यूमिनेशन फेस uh, मिल्क है ये ऑब्वियसली एक फेस मॉइस्चराइज़र है इसको मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि ये स्किन के ऊपर ना एक बहुत अच्छी लिमिनासटी एड ऑन करता है ग्लो ऐड करता है ठीक है सो दैट्स दी होल थिंग एंड अच्छे से पहले मैं अपने अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र और uh, मैंने फेस वॉश करने के बाद ना इंस्टेंटली टोनर अप्लाई किया हुआ था ठीक है वैसे मैं टोनर ज़रूर से अप्लाई करती हूँ वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में उनको श्रिंक करने में बहुत हेल्प करता है ओके okay. सो so, मैंने अप्लाई किया है अभी फ़ेस मॉइस्चराइज़र यूजुअली जो हम करते हैं नॉर्मली और करना चाहिए ओके okay, सो so, अभी अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज uh, कर ली है अपनी स्किन स्किन में पैनिटेट हो चुका है मेरे मॉइस्चराइज़र क्या करने वाली हूँ मैं सबसे पहले थोड़ा सा प्राइमर में ज़रूर से अप्लाई करती हूँ बिकॉज uh, uh, ये ना एक ब्लर blur, ब्लरी सा इफ़ेक्ट देता है स्किन को स्मूथनेस देता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ठीक है इट इज वेरी ऑप्शनल लाइक इट इज एन ऑप्शनल स्टेप आप इसको स्किप कर सकते हैं टोटली totally. सो so, मैं यूज कर रही हूँ स्टेक वर्की का प्राइमर यू कैन सी एंड दिस इज अ अलिकन बेस्ड प्राइमर एंड दिस इज टोटली ऑप्शनल तो सबसे पहले मैं पहल लूंगी एक सनस्क्रीन लोशन आई एम सनस्क्रीन एंड दिस इज लॉरियल का यूवी परफेक्ट सुपर एक्वा एसेंस फ्रेश हाइड्रेटिंग यूवी वाटरी जेल मुझे बहुत पसंद है, और इसका सेकेंड ये बॉटल है एंड ये टोटली मेरा फिनिश होने वाला है ठीक है तो लेटमी एंड me... एक चीज और की आज कल बहुत ज्यादा टेंटेड सनस्क्रीन चलते हैं ना आजकल नहीं बहुत बहुत समय से आ रहे हैं तो अगर आपके पास टिंटेड सनस्क्रीन नहीं है ठीक है तो आप घर पे ऑब्वियसली अपना सनस्क्रीन ले सकते हैं जैसे कि मैं लेने वाली हूँ लेल विट आई सेड की थोड़ा सा ये अभी फिनिश होने वाला है ओके okay. सो so, इतना मैंने अमाउंट सनस्क्रीन का लिया है जितना आपको रिक्वायर्ड है एंड उसमें मैं ऐड करूँगी अपना मैटिफाइंग फाउंडेशन मैं लॉरियल का ही फाउंडेशन इसमें मिक्स कर रही हूँ ट्वेंटी फोर आर इनफेलेबल प्रो मैट फाउंडेशन इन दी शेड वन ज़ीरो सिक्स सन बेज यू कैन सी ठीक है अब इसके बीच में इसको मैं मिक्स करूंगी ना एक तो ये डेवी मैट फिनिश बोलते हैं लेकिन नहीं इसकी आपको फुल फुल मैट ये फाउंडेशन है ठीक है एंड दिस इज़ टोटली सुटेबल फॉर ऑयली स्किन पर्सनस एंड आजकल जो वेदर चल रहा है मेरी स्किन की मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये एयरलाइट ये आपको ऑयल फ्री फॉर्मूला है इसका ओके okay. तो इसको मैं एक पंप के अकॉर्डिंग एज यू कैन सी इसमें मिक्स कर लूँगी ठीक है इसके साथ क्या होगा मेरा जो सनस्क्रीन है ना वो टेंटेड हो जाएगा एंड उसकी जो फाउंडेशन की कवरेज है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और मुझे ऐसा उतनी ज़्यादा फुल कवरेज भी नहीं चाहिए ठीक है कि किसी को पता चले अगर मैं बाहर निकलूँ तो कोई कह अच्छा बस इतना सा निकलने के लिए इतना ज़्यादा मेकअप किया है सो so, ऐसा भी नहीं लगेगा ऐसा लगेगा कि मेरी स्किन का टेक्स्चर ही वैसा है मेरी स्किन का कलर ही ऐसा है ठीक है तो मैंने अपने इसमें मिक्स कर लिया है अभी आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा वाइट कलर लग रहा है बिकॉज uh, जो हमारा सनस्क्रीन का कलर था वो वाइट था तो उसमें ये मिक्स होकर थोड़ा सा वाइटिश हो गया है लेकिन जब आप अपनी स्किन के ऊपर इसको ब्लेंड करोगे ना मसाज करोगे अप्लाई करोगे ठीक है तब ये आपकी स्किन में अच्छे से पेनाट्रेट हो जाएगा एंड बेयर यू विल सी एनी कवरेज लेकिन इतनी कवरेज तो रहेगी कि आपकी स्किन के ऊपर एक ईवन लेयर आपको लगेगी एंड ईवन ईवन टोन स्किन लगेगी बेसिकली आपकी सो दिस इज माई वे टू अप्लाई सनस्क्रीन लाइक जब मैं बाहर निकलना होता है स्पेशली डे टाइम पे Ok. सो so, आप देख सकते हैं मतलब अगर इसका वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से या वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर आपका सनस्क्रीन थोड़ा सा ऑयली या ग्रीजी हो जाता है अप्लाई करने के बाद तो आप किसी मैटिफाइंग फाउंडेशन के बीच में उसको अप्लाई करके मिक्स uh, करके आप अप्लाई कीजिए एक तो आपको थोड़ी सी कवरेज मिल सकती है यू कैन सी अभी मुझे कोई फुल कवरेज नहीं मिली है लेट मी कैन सी हेयर ना सी अभी आप देख सकते हैं जो मेरे यहाँ पे थोड़े से मार्क्स है ना वो एस इतने ज्यादा विजिबल नहीं है लेकिन फिर भी लाइटर लग रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं शो हो रहे हैं यू कैन सी लाइक परफेक्टली जो एवरी डे uh, के लिए हमारी स्किन जैसी लगनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही लग रही है मेरी स्किन के ऊपर एक ग्लो भी है यू कैन सी ग्लो भी है एंड माई फेस इज लुकिंग लिटिल बिट मैटिफाइंग नॉट दैट मच ऑफ मैटिफाइंग लुक कि मुझे एकदम से पाउडरी पाउडरी फील हो यू कैन सी अभी बिल्कुल मैटिफाइंग भी लग रहा है यू कैन सी ब्लर भी हो गई है मेरी स्किन जस्ट वो प्राइमर की वजह से स्मूथ भी हो गई है और मुझे सन प्रोटेक्शन भी मिल रही है बेसिकली जो टिंटेड मॉइस्चराइजर टिंटेड सनस्क्रीन इवन यू कैन मेक योर इंटेंटेड मॉइस्चराइजर ठीक है कोई भी मॉइस्चराइजर जैसे कई कह, बार हम फाउंडेशन ले लेते हैं लेकिन ऐसा च... अभी कोरोना की वजह से भी और या, या यूजुअली भी हमारे पास इतने ज़्यादा फंक्शंस हम नहीं अटेंड कर पाते हैं या कोई इतने ज़्यादा मैरिज फंक्शंस वगैरह नहीं आते हैं तो हमारा फाउंडेशन कई बार वेस्ट हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है तो इस तरह से आप फाउंडेशन को यूज़ भी कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर किसी मॉइस्चराइजर में आप मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको घर पर ही रहना है ठीक है तो लेकिन फिर भी यू हैव तो टू अटेंड जूम क्लासेज या फिर कुछ भी आपको करना है ठीक है या थोड़ी सी आपको वैसे ही थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना है सारा दिन तो आप मॉइस्चराइजर में मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन को उसके साथ उसकी कवरेज कम हो जाती है लेकिन फिर भी स्टिल एक रह जाती है बेसिकली आप अगर मॉइस्चराइजर में इसको अप्लाई करोगे ना तो वो आपका बीबी -बी क्रीम के जैसे काम करेगा अगर आप उसको सनस्क्रीन में मिक्स करके अप्लाई करोगे वो टेंटेड सनस्क्रीन बन जाएगा ठीक है तो आप जो प्रोडक्ट अगर आपका साइड पर रखा हो फाउंडेशन वेस्ट हो रहा है फॉर सम रीजन आप उसको डेली बेसिस के ऊपर या महीने में एक बार भी यूज़ नहीं हो पा रहा किसी वजह से तो उस उसको वेस्ट करने की बजाय उसको डेली यूज कर सकते हो ठीक है और आपका ऐसे प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होगा एंड आपको एक बहुत अच्छी कवरेज भी मिलेगी यू कैन सी अभी मेरी स्किन थोड़ी सी मैटिफाइंग हो गई है बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा सेटल्ड हो गया है मेरी स्किन में पेनिट्रेट हो गया है एंड आई एम टोटली टोटली रेडी टू गो आउट ठीक है तो यू कैन सी अभी बिल्कुल मेरी जो नेचुरल एक फिनिश मिली है मुझे पहले जब मैं अप्लाई करी थी तो मेरा फेस थोड़ा सा वाइट लग रहा था लेकिन जैसे जैसे ये और ज़्यादा पैनटेट होगा मेरी स्किन में वैसे वैसे मुझे थोड़ी कवरेज जो मिली है वो अच्छी लगेगी मेरी स्किन की जो मेरा मेरे जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी निकलेंगे और मेरी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी ठीक है वाई यू डिस्टर्बिंग नी मतलब एनीवेज ठीक है तो ये मेरी स्किन के ऊपर आप देख सकते कोई भी ऐसच जो ग्रीजीनेस नहीं है वैसे नहीं तो यूजुअली मुझे इस सनस्क्रीन के साथ थोड़ी सी स्टिकीनेस फील होती है ये वाटर जेल के साथ जो ये वॉटरी जेल ये आ, लॉरियल के इस सनस्क्रीन के साथ ठीक है बट इसको जब मैं किसी भी फाउंडेशन के साथ मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हो जब मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ एक तो जो एक वाइट कास्ट होती है सनस्क्रीन की वो निकल जाती है एंड एक आपका सनस्क्रीन जो मैटिफाइंग हो जाता है आपको थोड़ी सी कवरेज मिल जाती है ठीक है ना बेसिकली तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक like, आप देख सकते अभी अब आप चाहे तो इसको कॉम्पैक्ट के साथ सेट कर सकते हैं चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं वैसे मुझे कॉम्पैक्ट की एस सच नीड नहीं लग रही है बिकॉज ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ भी हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली सनस्क्रीन स्किन में पैनाटेट हो चुका है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफर होने की भी लाइक आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ओके okay, मैं इसके ऊपर चेक करती हूँ अगर मैं फ़ोन को टच करूंगी यू कैन सी है ना तो टोटली आपका फोन किसी गैजेट के ऊपर भी अप्लाई नहीं हुआ एंड यू कैन सी अभी भी कवरेज हल्की फुल्की जो कवरेज मिली है ना विच इज परफेक्ट फॉर एवरी डे सो आई डोंट थिंक सो आई एम नॉट श्योर कि मैंने अपना जो पॉइंट है क्लियरली uh, आप लोग के सामने रख पाई हूँ या नहीं बट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर कि मैं ऐसे ही जो अपना फाउंडेशन है बिकॉज अ यूट्यूबर या अ ब्यूटी ब्लॉगर मुझे बहुत सारे फाउंडेशन परचेज करने पड़ते हैं टू फॉर रिव्यू परपज लेकिन uh, उनको यूटिलाइज़ करना इज़ लाइक गुड थिंग ना बीबीसीसी क्रीम से भी यही होता है अगर आ, उसमें जो एस पी एफ होता है समटाइम्स हमें एक्स्ट्रा जैसी हमारा एटमोसफेयर है जैसा हमारा वेदर है तो हमें सनस्क्रीन की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है तो इट्स बेटर ना कि एक दो एक दो तीन ऊपर लेयर लगाने के बजाय आप र, र, रादर देन यू जस्ट अप्लाई अ मॉइस्चराइजर सिलिक जो प्राइमर है दैट इज़ टोटली ऑप्शनल आप उसको स्किप भी कर सकते हो ठीक है मैं भी स्किप कर सकती थी यू you नो know, अप्लाई कर लिया बस ठीक है और जो अभी मैंने सनस्क्रीन में अपना जो फाउंडेशन मिक्स करके अप्लाई किया है उसके साथ मुझे हल्की सी कवरेज भी मिली है मेरी स्किन मैटिफाइंग हुई है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है किसी भी सनस्क्रीन के साथ आपको वाइट कास्ट मिलती है वो मुझे बिल्कुल नहीं मिली है सो so, आई थिंक इससे बढ़िया ट्रिक नहीं हो सकती है वाइट कास्ट एंड स्टिकीनेस से पीछा छुड़ाने की सो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा इफ़ येस देन प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दैन बाई एंड टेक केयर मैं हंस से इसलिए रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आप लोगों को अच्छे से कन्वे अपना मैसेज नहीं कर पाई हूँ प्लीज़ आप लोग कॉमेंट आउन करके बताना कि आप लोगों की तक आप लोगों तक मेरी बात पहुँच पाई है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं सोच रही हूँ आई डोंट नो एंड कोई और भी आपकी क्वेरी हो आप नीचे कॉमेंट आउन कर सकते हैं आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दैन बाई एंड टेक केयर